हूं सलीम बिन मोहम्मद रफी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। आज मैं बड़े दर्द के साथ, बड़ी ही तकलीफ के साथ ये आपके पास जो सियालकोट वाला वाक्या पेश आया उसके लेकर आया हूं। और जिस तरह सारी की सारी कौम का सर इस बात पे झुक गया हुआ है, इसी तरह मेरा भी सच्ची बात है कि सर इसके ऊपर झुक गया। और वो मुल्क जो हमें अपनी आंखें निकाल के देता है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में से निकाल के देता है, उसमें से हम FSH LH के हार्मोन बनाते हैं, वो यूरोप में जाता है, स्वीडन में उसमें से निकाल के वो यानी इंसानी वो हार्मोन होते हैं जो बहुत सारे लोगों के, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी होता है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव हमारे मसाइल हैं वो भी उनमें भी वो एम्प्यूल्स में डाल के किया जाता है। तो वो श्रीलंका का आता है, आँखें जो आती हैं श्रीलंका से आती हैं और वो गुज़श्ता 6 दिहाइयों से आ रही हैं। और जो कॉर्निया है उसकी झिल्ली, जिन लोगों की आँखों में नज़र उस झिल्ली की वजह से, एक स्मॉल पॉक्स हुई थी, वो नबीने यहाँ देख नहीं सकते, वो झिल्ली काट के तो वो फिर देखने लग जाते हैं। तो वो हमने इन लोगों की लगाई, उनके साथ जो जुल्म हुआ है वो मेरा ख्याल है कि वो कोई भी जिसका दिल है वो इसको नहीं बर्दाश्त करेगा कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हमें उस बेवा को और उसके बच्चों को, जब तक वो ज़िंदा रहें, हमें हुकूमत पाकिस्तान को वो उनकी तालीम, उनके मकान, उनकी सब, हमें वो उनकी अपनी जो सफ़ीर है उसकी तरफ से, उसको जिस तरह हम बाहर अपने स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं, वजीफा देते हैं, हमें ये जेस्चर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में ये वाकया हुआ है। और इसको ये रंग देना कि ये खुदा ना खास्ता हजूर पाक की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है, ये आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पता चलेगा ये ऐसे नहीं था। लेकिन हमें अपनी इंसानियत, जिस तरह से हम एक आदमी ने जिसके ऊपर लेटकर इसको बचाने की कोशिश की, हम उसके तमगाए शुजात दे रहे हैं और मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसे नेशनल हीरो कर रहे हैं। ये इस बात के ऊपर जितना भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इसकी जो है वो तारीफ की जाए कम है, और सारी कौम उनके साथ है इसमें। इसी तरह मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि उसकी बेवा को, उसके बच्चों को और उसकी वालदैन को उनकी ये मुस्तकिला मदद करना ये हमारा हक है, और हमारा हक नहीं है बल्कि ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारा लाजम है कि हम करें। और जाहिर है कि अब उसकी लाश जो है वो पूरे एजाज के साथ उनको दे दी गई है, वो जो भी उनका रसूमात हैं बस भी उसके हिसाब उसकी तदफीन जो है वो करेंगे। और ये हमें जो वाक़ हुआ है उसकी तय तक पहुंचने के लिए हमें ISI, हमें FIA और हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की ज़रूरत है कि इसमें जो इंटरनेशनल लिंक है जिसने ये कराया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये सानिया है जिसे पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। और आप देखें न्यूज़ वीक ने फ्रंट पेज पर लगाया है कि पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक तरीन मुल्क है, इराक नहीं है, वो उसने कहा कि इंडिया नहीं है जहाँ आए दिन लिंचिंग करके मुसलमानों को मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है, रेप किया जाता है। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि ये इस तरह से अल्जाम तराशी करना आसान है, क्योंकि यही तो वो दुश्मन चाहता था कि किसी तरह से इस मुल्क के अंदर इस तरह से अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और ये मौजूदा जो हुकूमत है और मौजूदा जो आर्मी है इनके दरमियान जो आपस में एक इकट्ठे होकर ये काम करते हैं, जो रिश्ता है इसको किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। इसमें जो हमारे मुल्क के अंदर की फोर्सेस भी हैं वो भी खुश होंगी, और जो बाहर की हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, इनको लीडरों को जिन्होंने गैरत भी बेची है, अपनी डिफेंस बेची है, अपने बातों को पकड़ पकड़ के उनके हवाले किया है, वो उनके फिर जो इन्होंने एंजॉय किया है वो उस तरह के रिश्ते, उस तरह के स्टूज, उस तरह के पपेट इनको यहाँ पाकिस्तान में मिल जाए, जो कि मैं कहूँगा खुशकिस्मती से इस वक्त गुज़श्ता 3-4 साल से वो नहीं है। तो मैं जैसे आपसे ये बात कर रहा था कि सियालकोट में जो वाकया हुआ है जिसे पूरी कौम जो है उनका सर शर्म से झुक गया है, तो मैं उसके बाद आपसे कर रहा था, तो ये उसको ये रंग देना कि ये जी उसने क्योंकि हजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है तो इसलिए उसको इन लोगों ने मारा है, तो अब आप खुद देखें कि जो हकीकत उसमें क्या निकली है। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है कि वो जो श्रीलंका का आदमी था वो तो उस फैक्ट्री का एम्प्लॉय था ही नहीं, और हमारे पास तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है। रात को भी मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई जो
उसी फैक्ट्री में उस वक्त अंदर मौजूद थे, 70 प्लस लोग उस फैक्ट्री में मौजूद थे, और ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूं ये अभी तक किसी चैनल ने डिस्क्लोज नहीं की है, ना शायद ये करें। सबसे बड़ा झूठ तो चैनल्स पे ये बोला जा रहा है कि वो जो ऑफिसर था श्रीलंकन, वो उस फैक्ट्री का मुलाजम था, वो उस फैक्ट्री का मुलाजम है ही नहीं था। उस फैक्ट्री में इंटरनेशनल लेवल की चीजें, किट्स वगैरह तैयार होती थी, और वो बाहर की कंपनी, ये नाइकी मशहूर कंपनी है, ये उनसे काम करवाते थे, और सुपरविजन के लिए उन्होंने अपना एम्प्लॉय वहां पे रखा हुआ था जो देखे कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे कि अच्छी क्वालिटी की चीज निकले उस फैक्ट्री में से। ज़ाहिर है पाकिस्तानी आपको पता है दो नंबरी में तो मशहूर है ना। तो वो जो श्रीलंकन ऑफिसर जो पिछले 7-8 साल से वहां पे था, वो उस फैक्ट्री के मालिक से तनख्वाह नहीं लेता था, बल्कि जिस फैक्ट्री के लिए वो फैक्ट्री काम करती थी उससे वो तनख्वाह लेता था। वो आउटसाइडर था क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। वो तो जो लोग जिनका वो माल बना रहा था, और ये कई मुझे दहाइयों से पता है कि हंगरी के लोग, ईस्टर्न यूरोप के लोग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपना एक आदमी सियालकोट जरूर भेजते थे कि ताकि वो औजारों को डिफरेंट जो सॉल्यूशन है उसमें डुबो के देखते थे कि इसको वो जंग तो नहीं लग जाता, नाइफ को ये करते थे, सीजर को ये करते थे, जो डिसेक्टिंग फोरसेप्स को ये करते थे। तो ये एक क्वालिटी होती थी कि स्टेनलेस स्टील का जो बना है, क्योंकि जब वो ऑपरेट करते हैं तो उसमें ब्लड लगता है और बॉडी के फ्लूइड्स लगते हैं, तो इसलिए वो फॉरन जो है वो फॉरनर अपना बंदा भेजते हैं। तो ये श्रीलंकन एक्चुअली उस मशहूर कंपनी का जिसके लिए ये सियालकोट के लोग वो किटें बना रहे थे, वो उनका एम्प्लॉय था, और वो क्योंकि एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए सख्ती करता था कि भाई ये इस तरह आप सफाई से ये फैक्ट्री में काम करें, इस तरह से आप करें, तो उसे मालिक भी तंग थे और उसे जो लेबर काम करने वाले, ये आपको तो पता ही है कि हम नंबर दो यानी डंडी मारने वाले हमारी कौम का ये कोई 40-50 साल में ये एक वतीरा बन चुका है। हर चीज़ में जो हम बनाते हैं उसमें डंडी मार के हम जो बेईमानी का पहलू ले आते हैं, बावजूद इसके कि इतना अच्छा सियालकोट में स्टैंडर्ड और शहर है, लेकिन लालच की तो कोई इंतहा नहीं है ना, और वक्त के साथ साथ ये बुराई जो है वो सियालकोट में भी पहुंच गई। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि बार हमारी बदनामी हो रही है कि ये जी क्योंकि हजूर पाक की शान में गुस्ताखी उसने की, और जैसे वो आसिया बीबी का केस है, या वो जो सलमान तासीर वाला जो केस है, या और इस तरह के जो हमारे मुल्क में केस होते रहते हैं, ये हम एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है, और इसमें उनको भी ये जो तरीब के लबैक वाले हैं उनको भी मेरा ख्याल है नाजायज तौर पे उनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है। तो ये मेरे नज़र में ये बहुत सीरियस बात है और ये हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम जाता है या जहाँ किसी का ये उसने ये ज्यादती किया, बेशक आप उसको पकड़ें या उसको सही करें या कानून के मुताबिक उसको सजा दें, लेकिन नजायज नहीं करें। यानी ये एक फैशन ना बनाएं कि जी ये लोग क्योंकि बर्दाश्त नहीं करते, तो क्योंकि वहाँ नऊज़ु बिल्लाह हुज़ूर पाक की शान में कुछ हुआ था तो इसलिए ये किया गया। आपको याद होगा कई साल पहले ये वहाँ प्रेम नगर में जो कोट राधा कृष्ण का एक गाँव है, और क्योंकि हमारा वहाँ स्कूल है सामने जहाँ ये वाकया हुआ था, तो वो भी जो एक क्रिश्चियन एक बच्चे को जो उसको भट्ठे की आग में डाल दिया गया था, तो उसे फिर 200-300 जितने गांव के यंग थे बच्चों से लेकर बड़ों तक को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनको फिर सारी क्रिश्चियन बरादरी में, क्योंकि वो जो जिसको किया था वो क्रिश्चियन था, तो उसमें क्या निकला, उसमें कोई कुरान पाक के जो वक्त नहीं चलाए थे, उसमें कोई ऐसी मजहब की बात ही नहीं थी। उसने कर्जा ले रखा था उस भट्ठा वाले से, तो जब उसने उससे कर्जे की डिमांड की तो वो ज़ाहिर है वो वक्त लेता जाता था लेता जाता, तो गुस्से में आकर उसने मारा। जब मारा तो वो उसको पता चला कि वो बेहोश हो गया। जब लोगों ने कहा कि ये तो मर गया, तो अपना उसने कत्ल छुपाने के लिए उसने ये कर दिया कि जी इसने मैंने इसलिए मारा है कि इसने कुरान के, तो उन्होंने सारे आसपास के गांव के लोगों ने मस्जिदों में ऐलान कर दिया,
वहां इकट्ठे होकर लोग उन्होंने तकरीबन मरे हुए को उठा के उन्होंने उसको पट्टी में डाल दिया था कि बचा दें। तो ये अभी भी सियालकोट में भी देखें इसी तरह का वाकया निकला है, वो भी कुरान पाक के वर्कों की बेहरमती का नहीं किस्सा निकला था। लेकिन मौके पे जब पुलिस पहुंची, जो कि बहुत देर से पहुंची, तो आप देखें कि उन्होंने ये सारा कुछ मिटा दिया हुआ था। तो वो जो आदमी जिसका भट्टे का मालिक था उसने जमानत भी करा ली, वो फिरता रहा और मासूम लोगों को वहाँ कईयों ने 6 साल काटे, कईयों ने अभी तक भी कई वहाँ लटक रहे हैं कि जिनको मौत की सजा दी गई। तो जब वो साबित नहीं हो सका कि वो उन्होंने नहीं डाला, तो उन्होंने उसको नहीं मारा, तो वो उनको निकाल दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी के 6-7-8 साल तो ज़ाया हुए ना, और इमेजिन करें कि उनकी ज़मीनें पीछे कौन काश्त करता होगा, गांव थे ये सारे। तो यही तरह का सियालकोट का वाकया है कि ये तो हुकूमत का काम है, ISI का काम है, आर्मी का काम है, पुलिस का काम है, ये वहाँ की जो मालिक हैं उसको राउंड अप करें और उससे पूछें और ये वीडियो देखें। ये इंजीनियर हैं जो, ठीक है आपको ये आलम है, मजहबी आलम है, लेकिन वो पढ़े लिखे एक हैं और वो इस तरह की गलत बात आपसे नहीं करेंगे। वो आपको बता रहे हैं कि उनको अंदर की खबर मिली और कमोबेश 70 आदमी वो बता रहे हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब है कि उसको सोची समझी स्कीम के तहत, और इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल किसी एजेंसी का हाथ हो कि ये जो इस वक्त इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और इस वक्त जो इंतहाई ये मकरूज और इंतहाई कमज़ोर और इंतहाई वल्नरेबल हालत में हम जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी गैरत अपना सब कुछ IMF के गिरवी रख दिया, और उसके बाद बची खची जो हमारी इज्जत थी वो हमने सऊदी अरब के 35 साल बंदे के हाथ में दे दी, जो जिस वक्त चाहे 72 घंटे में हमें कान पकड़ा सकता है, तीनी का नाच नचा सकता है, और अपना कर्जा जो उसने सूद पे दिया हुआ है, जो 3.5% पे वो उसने इससे हमारी मदद के लिए नहीं दिया हुआ, इससे ज़्यादा और बेगैरती, इससे ज़्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है। तो अगर वहाँ ये इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं ये मिलकर, जिसमें IMF भी है, सऊदी अरब का ये बंदा भी है, और अब आप देखें कि उन्होंने एक और कोशिश करके, और वो उन्होंने कहा कि ठीक है ये बाहर के किसी मुल्क का आदमी है और ये बड़ा फेमस ब्रांड है जो यहाँ बन रहा है और ये किट का हिस्सा है, तो हम इसको, नाइकी मशहूर है ये ब्रांड, तो उन्होंने कहा कि ये हम इस तरह से इसको मारते हैं और अजाम इन पर लगा देते हैं। ये वो 9/11 और ये जो हुआ था बॉम्बे का, इंडिया का, और ये जो प्लैंड जो चीज़ की जाती है कि किसी कौम को या किसी मज़हब को वो आपने मलिन करना है, आपने उनको ज़ेर करना है, आपने वो वक्त गेन करना है, ये आप दूसरों को ज़ेर करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके अंदर बाहर की फोर्सेस जैसे CIA है, मुसाद है, रॉ है, अब वो क्योंकि एक दरवाज़ा उनका ईरान का बंद हुआ, फिर अफगानिस्तान का बंद हुआ, फिर आपने बाढ़ लगा दी, तो अब वो अंदर से आपके जहाँ जहाँ आपके जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो हम वल्नरेबल हैं हम, तो वो ये हैं क्योंकि यहाँ वो ज़ाहिर है कि सियालकोट में बाहर के मुल्कों के लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपने मैनेजर्स अपने बंदे भेजते हैं, तरह वो देते हैं। तो ज़ाहिर मालिक को तो दर्द और पीड़ होगी ना कि जब वो सख्ती करेगा कि मुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं इस साथ के साथ कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग अदारे हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, FIA भी है, ISI भी है, वो आगे बढ़े। हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से,
कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत, कि वह कूड़ा फेंकोगे वो भी हम मतलब मैं बाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी, पैगंबर हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, पैगंबर। मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पर। एक दिन उस महिले ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहां है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। और ये हमारे वजीर आजम साहब जो हैं और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब जो हैं, वो उनको पकड़े और ये देखें कि जो फॉरेन एलिमेंट है उसको एक्सपोज करें, फिर सारे सफीरों को लेकर जाएं, उनको दिखाएं यदि ये था अंदर का वाकया, इसमें मजहब को या इसको ये तरीके लबैक को ना आप करें, या हमारे जो ये जो कह रहे हैं जी जुनून है, ये उसका ये केस नहीं है। बस मैं इस बात के साथ कि हमें ये शॉर्ट टर्म एक अल्जाम उंगली उठा के जो लगाना आसान है उसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, और हमें जो सही जो इसका जो रूट कॉज है जो कल्परेट है उस तक पहुँच के उसको सजा देनी चाहिए।